दोस्तों मेरा नाम है तनवीर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने से ही कैसे अपने कीबोर्ड टाइप के कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक लैपटॉप है जो कि एसर कंपनी का है, एसर गेटवे का। मैं इसको खोल के एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा लैपटॉप हमारे पास और इसका कीबोर्ड जो है हम चेंज करेंगे। और मेरे पास ये रहा नया वाला कीबोर्ड, हम इसको रिप्लेस करके और इसको चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको। यही हमारा जो है, थोड़ा नजदीक में कर देता हूँ, ये बटन गड़बड़ है। इसके अलावा और कई बटन इस कीबोर्ड के जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस लैपटॉप को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद इसको हम पलट देते हैं ऐसे। और इसको इतना करने के बाद इसका हम सबसे पहले बैटरी निकालते हैं। और बैटरी निकालने के लिए बस क्या काम करना है, आराम से इसको यहाँ जैसे ड्रैग करना है, ये बैटरी उठ जाएगी। इसको आराम से हम बैटरी को निकाल देते हैं। बैटरी को निकालने के बाद तो मैं इसको नट के खोल लेता हूँ और अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से इस स्क्रू को उठाएंगे और यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें हम देख लेंगे कोई भी और ऐसा तो नट नहीं है जो कीबोर्ड से सटा हुआ है। उसके बाद हम इस लैपटॉप को कर लेते हैं सीधा। सीधा ओपन करने के बाद इसके डिस्प्ले को हम कर देते हैं यहाँ से ऐसे ओपन। और ये कीबोर्ड के बाद यहाँ पे देखेंगे आप कुछ पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा दूसरा और लगा लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट टाइप के दिए हुए हैं। अब इसको हमें यहाँ से आराम से प्रेस करना है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ पे बस हमको ऐसे ही प्रेस करना है और खुल जाएगा। ये है मेरा, अब ये देख रहे हैं आप ये कीबोर्ड। इसको हम कीबोर्ड को ऐसे उठा लेते हैं। ये कीबोर्ड मेरा जो है, जो खराब वाला कीबोर्ड था, देख लीजिए आप लोग यहाँ से इसको हम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का ये सेटअप करते हैं। इस यहाँ मेरा कीबोर्ड अब सेट हो गया, देख रहे हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी इसको लगा करके और यहाँ से बस इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद इसके डिस्प्ले को भी हम कर देते हैं बंद। और एक बार हम क्या बैटरी लगा करके और एक बार ऑन करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारा कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। दोस्तों मेरा कीबोर्ड सभी काम कर रहा है, कीबोर्ड के सारे बटन काम कर रहे हैं। अब इसको एक बार हम क्या काम करते हैं, शट डाउन करने के बाद इसके सारे पेज को मैं कस देता हूं और हमारा फाइनली हो जाएगा।